हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट मोदक, उसके साथ हम बनाएंगे चॉकलेट कोकोनट फिलिंग। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम ये चॉकलेट मोदक बनाएंगे और हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप ड्राई कोकोनट, जिसे मैंने ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है। आप रेडीमेड डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हो। अब हम कोकोनट को ग्राइंड करेंगे। हमें इसे एकदम पाउडर फॉर्म में भी नहीं पीसना है, हमें इसे एकदम मीडियम साइज के ग्रैनुलर जैसे हमें इसे पीस लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड। आप चाहे तो वाइट या मिल्क कंपाउंड भी ले सकते हो, जिसे हम ऐसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। क्यूब्स में कट करने से चॉकलेट क्विकली मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम चॉकलेट कोकोनट फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में 1/2 टीस्पून बटर ऐड करें। जो हमने चॉकलेट कट किया है क्यूब्स में, उसमें से 3 छोटे मीडियम साइज के क्यूब्स ऐड करें। नेक्स्ट हम 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम मिल्क पाउडर स्लरी ऐड करेंगे। स्लरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया था 1/2 टेबलस्पून, जिसमें मैंने 1 to 2 टेबलस्पून वाटर ऐड किया और फिर मैंने ऐड कर दिया स्लरी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कोको पाउडर। फिर सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो अभी भी चॉकलेट प्रॉपरली मेल्ट नहीं हुआ है, ग्रैनुल्स दिख रहे हैं। तो अब मैं और थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। हम चॉकलेट सॉस को तब तक पकाएंगे जब तक चॉकलेट और शुगर प्रॉपरली मेल्ट नहीं होते। हमें मीडियम फ्लेम पे सॉस को पकाना है। आप देख सकते हो चॉकलेट सॉस अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप ड्राई कोकोनट। चॉकलेट सॉस के साथ हम ड्राई कोकोनट अच्छे से मिक्स करेंगे। हम ड्राई कोकोनट को पकाएंगे नहीं, सिर्फ इसे चॉकलेट सॉस के साथ मिक्स करने के बाद गैस ऑफ करके हम इसे साइड में रखेंगे ठंडा होने तक। नेक्स्ट हम डबल बॉयलर पे चॉकलेट मेल्ट करेंगे। पानी को अच्छे से उबाल आ जाने के बाद हम इसके ऊपर चॉकलेट बाउल रख देंगे। हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे चॉकलेट मेल्ट करने के लिए। हम इसे मीडियम गैस पे लगातार बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अब बीच बीच में ज़रूर मिक्स करते रहिए, नहीं तो नीचे के साइड का चॉकलेट जल सकता है। चॉकलेट को चाहे तो 30 सेकंड्स माइक्रोवेव भी कर सकते हो मेल्ट करने के लिए। आप देख सकते हो हमारा चॉकलेट अभी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम मोदक बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का मोदक मोल्ड लिया है। हम बहुत ही इजी वे में मोदक के कैविटीज फिल करेंगे। उसके लिए हम स्पून से कैविटीज के अंदर थोड़ा चॉकलेट फिल करेंगे, फिर उसको स्पून के हेल्प से साइड में स्प्रेड कर लेंगे। हम एकदम हल्के हाथ से स्प्रेड करेंगे और जो भी स्प्रेड होने के बाद जो एक्स्ट्रा चॉकलेट बच जाएगा वो स्पून के हेल्प से हम निकाल लेंगे। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड रहेगा तो आप सिलिकॉन मोल्ड यूज़ करें। आपको और एक कैविटी फिल करके बताती हूँ। एक दूसरे वे में भी कैविटी फिल करते हैं, जिसमें चॉकलेट पूरा कैविटी में भर देते हैं और जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट रहेगा वो मोल्ड उल्टा करके निकाल लेते हैं, जिससे बहुत सारा चॉकलेट इधर उधर लग जाता है, बट मोल्ड है वो बहुत मेसी हो जाता है। तो आप ये स्पून वाला ही मेथड यूज़ करें, जिससे आपका मोल्ड भी बहुत मेसी नहीं होगा। आप देख सकते हो हमने प्रॉपरली कैविटीज मोदक के फिल कर लिए। अब हम इसे 1 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट कर लेंगे। चॉकलेट अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम जो फिलिंग है वो ऐसे फिल कर लेंगे। इस तरह छोटे छोटे बॉल्स करके हम कैविटीज़ में फिल कर लेंगे। इस तरह आप धीरे से फिंगर से ही प्रेस करें। प्रॉपरली चॉकलेट फिलिंग फिल करने के बाद हम इसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट स्प्रेड कर लेंगे। मेल्टेड चॉकलेट स्पून से स्प्रेड करने के बाद मोल्ड को हम जेंटली टैप करेंगे तो जो भी चॉकलेट है वो इवनली ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट हम फ्रीज में 10 मिनट के लिए हम सेट करने के लिए चॉकलेट रख देंगे।
10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चॉकलेट को डीमोल्ड करेंगे। बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं चॉकलेट। अगर आपके डीमोल्ड नहीं हो रहे होंगे तो आप उसे और 2 से 3 मिनट के लिए और फ्रीज में रख दीजिए, तो इजीली डीमोल्ड हो जाएंगे। आपको मैं कट करके बताती हूँ, आप देख सकते हो हमारी जो फिलिंग है एकदम प्रॉपरली हुई है। आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड आई होप आपको ये मेरी चॉकलेट मोदक की रेसिपी पसंद आई हो। थैंक यू।